हेलो, ऑब्जर्वेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी इमारत के बारे में जो कि 15वीं सदी में बनी, उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी इमारत थी, जो भारत की राजधानी दिल्ली में निजामुद्दीन पूर्व में औलिया की दरगाह के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है, जो न कि सिर्फ एक मकबरा है बल्कि एक विशाल किले की तरह है। इसे हुमायूं का मकबरा या मकबरा ए हुमायूं के नाम से जाना जाता है। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निजामुद्दीन में स्थित इस मकबरे को हुमायूं के मृत्यु के बाद उनकी पहली पत्नी हाजी बेगम ने उनकी याद में करीब 8 साल बाद शुरू करवाया था। इसका निर्माण कार्य 1565 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक चला था और इसका डिजाइन फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गयासुद्दीन ने किया था, जिसको हाजी बेगम ने चुना था। मकबरे के बनके तैयार होने से पहले ही मिराक मिर्जा का देहांत हो गया था और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे सैयद मोहम्मद ने इसको पूरा किया था। बेगा बेगम हुमायूं की मृत्यु के बाद इतनी दुखी हुई कि उन्होंने यह फैसला किया कि वह अपना सारा जीवन यमुना नदी के किनारे हुमायूं का मकबरा बनाने में लगाएगी। इसका सारा खर्च बेगम ने ही दिया। 15वीं सदी में भी इस मकबरे में 15 लाख की लागत में इसका निर्माण कार्य पूरा हो पाया था। 30 एकड़ जमीन में फैले हुए यह मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित होकर बनवाया गया है। दुनिया का मशहूर 7 अजूबे में से एक ताजमहल को इसी के डिजाइन को आधार मानकर बनवाया गया है और यह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान वाला मकबरा माना जाता है। हुमायूं का मकबरा बाग के बीच चबूतरे पर चतुर्भुज की आकृति में बना हुआ है। बाग के अंदर कई फव्वारे भी हैं। प्रवेश के लिए एक विशाल दरवाजा है। इमारत का मुख्य कक्ष गुंबद के नीचे है, जो कि अष्टभुजाकार है, जहां हुमायूं की कब्र बनी हुई है। यहाँ की मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। इस मकबरे को बनाने के लिए पत्थरों और गारे चूने का प्रयोग किया गया, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर और चौड़ाई 91 मीटर है। इसके बाहरी शीर्ष पर सफेद संगमरमर का गुंबद है। गुंबद के ऊपर 6 मीटर ऊंचा पीतल का कलश स्थापित है और इसके ऊपर चंद्रमा भी लगा हुआ है, जो तैमूर वंश के मकबरों से मिलता है। हुमायूं एक प्रख्यात मुगल सम्राट था, जो बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था, जिसका पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं ने अपने पिता बाबर की आज्ञा के पालन करते हुए मुगल साम्राज्य का बंटवारा अपने चारों भाइयों में किया। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ और दिल्ली का सिंहासन प्राप्त करने के बाद 27 जनवरी 1556 में दीनपनाह भवन की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय पैर लड़खड़ाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। इसके बाद उनके पुत्र अकबर ने सिंहासन संभाला। हुमायूं की कब्र के साथ यहां कुछ अन्य कब्रें भी बनी हुई हैं। 16वीं सदी के मुगल उद्यान की एक से अधिक कब्रें, जैसे नीला गुंबद, ईसा खान की कब्र, अफसर वाला और नाई का मकबरा आदि। हुमायूं के मकबरे के दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित अफसर वाला का मकबरा है, जो कि अकबर के दरबार में एक कुलीन था।
साथ ही मकबरे के नज़दीक एक मस्जिद भी बनी हुई है। माना जाता है कि यह अफसरवाला को समर्पित है। नाई का मकबरा। चार दीवारी के अंदर एक नाई का गुंबद है जो एक शाही नाई का है। नीला गुंबद। मकबरे के परिसर में बाहर एक नीला गुंबद है। यह गुंबद अष्टकोणीय है जिसका निर्माण अब्दुल रहीम ए खाना द्वारा करवाया गया। हुमायूं का मकबरा भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण माना जाता है, जिसमें चार बाग उद्यान और फारसी उद्यान है, जिसने मुगल काल के लिए एक मिसाल कायम की। चार बाग एक फारसी शैली का बगीचा है जिसे चार मार्गों में विभाजित किया गया है, इसीलिए इसे चार बाग कहा जाता है। इसकी तीन तरफ पत्थर की दीवार बनी हुई है और चौथी तरफ यमुना नदी है। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिजाइन भी मिराक मिर्जा गयासुद्दीन ने किया था, जो कि एक फारसी वास्तुकार थे। मुख्यतः इमारत पर एक छह किनारों वाला सितारा है जो मुख्य दीवार को काफी हद तक आकर्षित बनाता है। यहाँ पर अरब सराय भी है जहां मकबरे के निर्माण के समय कारीगर रहा करते थे। 17वीं से 18वीं सदी तक हुमायूं के वंशजों की कई कब्रों से यह भर गया। यह कब्रें पीले तथा काले संगमरमर से बनी हुई है। इसे बाद में मुगलों का कब्रिस्तान कहा जाने लगा। कहा जाता है कि हुमायूं की मृत्यु के बाद पहले उन्हें दिल्ली के पुराने किले में दफनाया गया था। बाद में इसका स्थान परिवर्तन कर पंजाब ले जाया गया, क्योंकि उस समय हिंदू राजा हेमू ने मुगलों को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा किया था। कब्र का स्थान बदलने का कारण यही था कि राजा हेमू इसे क्षति ना पहुंचा दे। यह मकबरा विशाल स्तंभों पर टिका हुआ है जिनकी ऊंचाई 7 मीटर है। शानदार डिजाइन के कारण यह मकबरा 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा इस मकबरे की देखरेख की जाती है। यहाँ जाने के लिए नज़दीकी मेट्रो स्टेशन जोरबाग मेट्रो स्टेशन है।